तो यार ये टब मैंने भर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार डक्कियों को नहलाते हैं, वो सामने हमारी डक्कियाँ, तो टब मैंने अभी फुल कर लिया है। फुल नहीं है, हाफ़ या यार हाफ में ही ऐसे ही नहाते हैं, फुल करो ना ये बाहर आ जाते हैं। तो अब इनको इनमें नहलाते हैं, इनको बाहर निकालता हूँ मैं, फुल हो गया हमारा ये। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग, मेरे सब लोग ठीक होंगे। तो यार वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो यार डकियाँ हमारी बाहर आ गई हैं यार, अभी अभी मैंने पानी भरा, जैसे कल हुआ आज फिर वैसे हो गया। अभी धूप निकली हुई थी, ये देखो सूरज बादलों के अंदर चला गया, हवा चलने लग गई है। आज इनको नहलाऊंगा, जो कुछ मर्जी हो जाए आज इनको नहला के ही रहूँगा, क्योंकि यार काफ़ी ज़रा ना गंदी हुई हुई है। ये देखो मैं इनको सबको ना टब के अंदर डालता हूँ, मैं लगाता हूँ ज़रा ना उधर सिनेमैटिक मोड, सॉरी सिनेमैटिक कह रहा हूँ, वो टाइम लैप्स लगाता हूँ यार, फिर हाथ गंदे होते हैं ना, तो इनको सबको अंदर डाल के मैं आपको टाइम लैप्स पे दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो यार पहले वाला इन्होंने ना सारा पानी वगैरह गंदा कर दिया, तो मैंने सारा पानी गिरा के अब दोबारा इनको, ये देखो यार ये फिर बाहर निकलते जा रहे हैं, मैं फ्रेश पानी भर रहा हूँ अब, इस तरह इनको नहलाते हैं। ये देखो तीन ही अंदर रह गई हैं, अब उनको भी पानी भर लूँ मैं दोबारा, फिर उनको भी अंदर डालता हूँ। आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट में लाजमी बताइएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनको नहलाने में यार, ये फ्रेश अच्छी अच्छी साफ साफ अच्छी लगती हैं, गंदी हुई मुझे नहीं अच्छी लगती। यार पानी दोबारा मैं भरता हूँ, ये इनको दोबारा अंदर डालता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। हाँ जी, तो यार ये देखो सातों की सातों अंदर है बड़ी, ये अंदर पता है किस लिए रुकी हुई है, अभी मैंने इनको डाला खाना अंदर ही, तो ये अंदर खाना खाने की वजह से रुकी हुई है, नहीं तो ये अभी दोबारा से बाहर आ जाती। मैं कहता हूँ इनको थोड़ा थोड़ा खाना डालते रहते हैं अंदर, तो ये नहाती रहेंगी, तो इस तरह ये नहा भी लेंगी और खाना भी खा लेंगी। ये रोटी है बड़ी इनकी, ये अच्छी बात हो गई है यार, थोड़ी फ्रेश फ्रेश हो गई ना, अच्छी लगती हैं। तो आज इनका नहाने वाला सिस्टम भी हो गया, रैबिट्स हमारे घास खा रहे हैं हमेशा की तरह, माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, माशाल्लाह से, माशाल्लाह प्लीज़ से माशाल्लाह। तो डक्स हमारी अब शुक्र है नहा रही हैं सही तरीके से। इनके लिए यार बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाता हूँ इंशाल्लाह, बहुत जल्द बनाऊँगा यार, क्योंकि ये छोटा है ना इनके लिए, मुझे लगता है छोटे में इस वजह से नहीं नहाती, तो इनके लिए बड़ा स्विमिंग पूल बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो फिर ये नहाएंगी, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द बनाएंगे। यार हवा देख रहे हो, अब कैमरे में साउंड आ रहा होगा हवा का, फुल तेज़ हवा चल रही है इस टाइम, दिखाता हूँ वो पत्ते ऊपर से हिल रहे हैं, फुल तेज़ हवा चल रही है, अल्लाह करे धूप निकले यार, धूप में ये थोड़ी देर बैठेंगे फिर सूख जाएंगे, फिर इनको वापस से बंद कर दूंगा। तो यार कैसा लगा यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इनका नहाने में, आपको कैसे लग रहा है, इनको थोड़ा सा खाना और डालते हैं। तो एक बाहर निकल गई है वापस से, you
माशाल्लाह यार माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है, धूप निकल आई है, हवा भी चार से चल रही है और धूप तो माशाल्लाह जो गर्मियों वाली है वो निकल आई है वापस से, क्योंकि बादल आगे आते हैं ना तो धूप कम हो जाती है, अब तो बादल जैसे ही हटे हैं ना तो हवा तो चल रही है लेकिन धूप माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई है। तो ये देखो ये यहाँ पर सुखा रही हैं अपने आप को, तो यहाँ ये धूप में बैठेंगी, बाकी ये इनको तो मज़े ही आ गए हैं मुझे लगता है अंदर, ये देखो कितने खुशी से नहा रही हैं। हाँ जी मज़े आ गए हैं आपको, मज़ा आ रहा है किसको किसको मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है? हाँ ये देखो ये कह रही है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस यार आप इनको मैं कहता हूँ खुद ही बाहर निकाल देता हूँ, वो तो थोड़ी बड़ी थी वो खुद ही बाहर निकल गई, ये छोटी है एक बड़ा, ये देखो ये हमारा सबसे बड़ा जो मिस्टर है बड़ा माशाल्लाह वो तो खुद ही नहा रहा है, तो बाकी तीन छोटियाँ बड़े इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। आ जाओ भाई जाके मज़े करो, आप भी जाओ इंजॉय करो, आप भी जाओ। तो अब ये अपने आप को सुखाएंगी थोड़ा सा फ्रेश होंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा मिस्टर तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी से नहा रहा है, इंजॉय करके नहा रहा है फुल टाइम इंजॉय करके। हाँ जी मिस्टर मज़ा आ रहा है, वे फुल मज़े ले रहा है यार, ऐसे जब ये नहाता है ना तो मुझे दिल ही खुशी होती है कि इनको नहलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, जब ये ऐसे डक हमारा मिस्टर डक नहाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब हमारी सारी डक्स अपने आप को सुखाएंगी फुल टाइम रेस्ट करेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो यार हमारे मिस्टर डक की भी बस हो गई, अब इसको भी मैं कहता हूँ बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आ जाओ मिस्टर, आ जाओ, आ जाओ आप भी आ जाओ, आ जाओ। ये देखो कैसे सुखा रहा है अपने आप को माशाल्लाह, इनके फुल पर आ गए हैं, फुल बड़े वाले पर आ गए हैं, उन छोटों के पर नहीं आए अभी, ये जो हमारे हैं ना इनके पर अभी नहीं आए, तो ये हमारा मिस्टर डक फुल बड़ा है बड़ा माशाल्लाह, इसके फुल पर आ गए हैं, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक वो वाला वो सामने, एक वो है और एक ये है, ये देखो कितने प्यारे पर हैं इनके। मुर्गों से पूछे मुर्गों ने नहाना है, हाँ जी भाई आपने नहाना है, मज़े करने हैं, इनको नहलाएं? नहीं यार नहीं, मुर्गों को नहीं नहलाएंगे क्योंकि ये नहीं नहाते मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है ना ये नहाने वाले वो परिंदे नहीं है पड़े। ये क्या हो गया है यार, यहाँ मैंने इनको इसलिए बिठाया, यहाँ धूप सही पड़ रही है ज़रा इनको ना, मैं कह रहा हूँ धूप सही से पड़ेगी ना, ये देखो बाल अपने सुखा रहे हैं, तो यहाँ इनको थोड़ा ना वी आई पी सेटअप मिल रहा है इसलिए मैंने इनको ऊपर करके बिठाया। माशाल्लाह धूप तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आँखों के अंदर पड़ रही है, थोड़ा आगे जाके मैं करता हूँ। तो बस यार आज का लोग यही तक, उम्मीद है आज का लोग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मिलेंगे कल के व्लॉग में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों यारों का ज़रूर शेयर करना। आज के डक के साथ माहौल कैसा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आज इन्होंने ना अच्छे तरीके से नहाया है तो आज मुझे दिल ही खुशी हुई है, मिस्टर डक ने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया माशाल्लाह बहुत अच्छे से नहाया है। तो अब मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़। यार ये ऊपर से ना हमने ये ताज वगैरह इनके बना दिए हैं माशाल्लाह, अब इनका छत वगैरह रखनी है और जाली वगैरह लगानी है, बस ये थोड़ा सा काम रह गया।